यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए बसों पर खूब सियासत हो रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आपस में भिड़ गए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए एमपी में व्यवस्था देखने का निमंत्रण दिया है। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान कांग्रेस को रास नहीं आया। जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान से राज्य की व्यवस्था सुधारने की नसीहत भी दी है। कांग्रेस के इन आरोपों का जवाब देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय खुद मैदान में उतर आए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राज्य में प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के शानदार प्रयास किए गए हैं, कभी भी कोई मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। वहाँ पर किसको दिख रहा है वो पैदल जाते हुए? पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी मजदूर पैदल नहीं है। 2500 बसों की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं कल कटनी से होकर आया, पूरे कटनी के मार्ग में भोजन की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था सब है। पूरे मध्य प्रदेश में चुनौती दे रहा हूँ, कहीं पर भी कोई मजदूर पैदल नहीं है मध्य प्रदेश में। ये मैं जो भी कह रहा हूँ उसको चुनौती के रूप में कहना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी के लिए कुछ कहना? प्रियंका जी अभी उत्तर प्रदेश से नहीं निकल पाएगी तो मध्य प्रदेश कहाँ आएंगे। आपको बता दें कि यूपी में प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए कांग्रेस ने 1000 बसों को अपने खर्चे पर भेजने की अनुमति मांगी थी, जिसे यूपी की योगी सरकार ने मंजूर भी कर लिया था। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बसें उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन यूपी सरकार ने बसों को एंट्री नहीं दी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।